नमस्कार, मैं हूं दीपक शर्मा और आप देख रहे हैं बिग न्यूज़। बांका की बड़ी खबरों के बुलेटिन में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। भागलपुर हसडिया स्टेट हाईवे पर मंगलवार को कुर्रो मोड़ समीप ऑटो पलटने से एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 10 लोग जख्मी हो गए हैं। मृतक युवक बौंसी थाना क्षेत्र रतनसार गांव के मंगल किस्कू का 30 वर्षीय पुत्र बड़कू किस्कू है। घायलों में सरिता बासु की बिबियाना मुर्मू, चंद्रमुनि सोरेन, 40 किस्कू बच्चे रोहित किस्कू, दिनेश, सुशील, सोनू और रामदेव है। स्थानीय लोगों ने बताया कि दुर्घटना में मौके पर ही एक युवक की गंभीर चोट के कारण मौत हो गई। रेफरल अस्पताल के एम्बुलेंस की मदद से सभी जख्मी को रेफरल अस्पताल लाया गया। ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर कुमार संजय सुमन के द्वारा सभी जख्मी का इलाज किया गया। घटना के बाद मृतक के परिजन दहाड़ मारकर रो रहे थे। युवक 5 भाइयों में सबसे छोटा था। वह गांव में ही रहकर मजदूरी कर अपना परिवार का भरण पोषण करते थे। उसके 2 छोटे छोटे लड़के हैं। पत्नी सुनीता हांसदा और माता चंद्रमणि सोरेन घटना से बदहवास हालत में ही है। परिवार के सामने भरण पोषण की गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है। वहीं थाना अध्यक्ष राजकिशोर सिंह ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने बांका सदर अस्पताल भेज दिया है। अमरपुर थाना क्षेत्र के भीकनपुर में जमीनी विवाद के कारण 2 पक्षों के बीच मारपीट हो गई, जिससे पिता स्वर्गीय श्यामानंद शर्मा की पुत्री बुलबुल कुमारी, मौसम कुमारी और पत्नी कुमारी कविता पूरी तरह से जख्मी हो गई। मौसम कुमारी ने बताई कि घर के बगल के ही दबंग सुनील कुमार पिता इंद्रदेव मुहरा, कन्हैया कुमार प्रिया कुमारी ने जमीन विवाद के कारण मेरे और मेरी माँ बहन को अभद्र गालियाँ देने लगे और मेरे परिवार के साथ मारपीट करने लगा एवं लाठी और डंडे से मार मार कर सबका सर फोड़ दिया। घायल का इलाज रेफरल अस्पताल अमरपुर में कराया गया। जख्मी ने थाने में लिखित आवेदन देकर न्याय की मांग की है। जमीन आज कुछ साल से लिया है लगभग, और जमीन लिया है बिंदे सिंह, उसकी बेटी लिखी है सुमन देवी, उसका पति सदानंद शर्मा और एक बहन उसका आशा देवी, उसका पति विनोद शर्मा, दूसरा बहन अनिता बबीता देवी, पति सुनील शर्मा, स्वर्गीय बीएलडब्ल्यू जो 1998 में गोली से मर्डर यही करवाया है। ALTF के द्वारा बाराहाट के समीप छापेमारी अभियान चलाया गया, जिसमें वाहन चेकिंग के दौरान एक बाइक सवार शराब माफिया पुलिस को देखते ही गाड़ी घुमाकर भागने लगा। शक होने पर ALTF के द्वारा पीछा किया गया। पीछा करने पर बाइक सवार बाइक छोड़कर भाग गया। बाइक के पीछे में 120 बोतल देसी शराब लोड था। ALTF के द्वारा गाड़ी को जब्त कर बाराहाट थाना परिसर लाया गया। यह गाड़ी बजाज कंपनी की डिस्कवर है। गाड़ी का नंबर KA51HD7585 है। ALTF का नेतृत्व कर रहे इंस्पेक्टर अजीत कुमार सिंह, ASI उपेंद्र यादव, ASI राजकुमार भारती, सिपाही प्रेम दत्त, अमित कुमार नंद, किशोर राम, हरिशंकर ठाकुर आदि पुलिसकर्मी मौजूद थे। बांका जिले के अमरपुर थाना क्षेत्र के चकसिया गांव में थानाध्यक्ष अरविंद कुमार राय के द्वारा चलाई गई छापेमारी अभियान के तहत मारपीट मामले में दर्ज प्राथमिकी के फरार 2 अभियुक्त को गिरफ्तार कर थाना परिसर लाया गया। गिरफ्तार अभियुक्त चकसिया गांव के दशरथ यादव एवं कमलेश्वर यादव बताया गया। थानाध्यक्ष से मिली जानकारी के अनुसार दोनों युवक के खिलाफ थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। मामले में दोनों फरार चल रहे थे। गुप्त सूचना मिली कि दोनों अभियुक्त अपने गाँव आए हुए हैं। सूचना मिलते ही चकसिया गांव में छापेमारी कर दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों का अमरपुर अस्पताल में कोरोना जांच कराते हुए पुलिस अभिरक्षा में बांका भेज दिया गया। अब तक के लिए इतना ही। फिर भी आपसे होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।